गाड़ी 8 सितंबर से, 8 सितंबर से। जी हाँ बिल्कुल, कराची में एक अफसोसनाक वाकया गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में पेश आया। एक सोसाइटी के अंदर जब घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी के अंदर दो भाई जिनके नाम जो है वो 4 साला रऊफ और 3 साला आसान बताए जा रहे हैं, ये घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी में जो है वो गली के अंदर खेलने के दौरान गाड़ी के अंदर दाखिल हुए हैं और अंदर ही लॉक हो गए। मैं आपको ये गाड़ी दिखाऊं कि जो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है, काफी दिनों से जो है वो यहाँ पर गाड़ी मौजूद थी और उस खेल के दौरान जो है वो दोनों बच्चे जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं और अंदर दाखिल होने के बाद इस गाड़ी के जो है वो बाहर नहीं निकल सके क्योंकि बताया जा रहा है कि अंदर से जो है वो ये गाड़ी लॉक हो गई थी क्योंकि ये जो है वो नकारा हालत में यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और इसमें दाखिल होने के बाद जो है वो गर्मी और हब्स की वजह से एक बच्चा 4 साल का रऊफ जिसका नाम बताया जा रहा है वो दम घुटने से जो है वो जहां भाग हो गया, जबकि छोटा बच्चा हसान जो है वो उसे तशवीशनाक हालत में गुलिस्तान जौहर का जो मरकजी अस्पताल है वहां पे जो है वो मुंतकिल किया गया है और उसे जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस जो है वो यहां पे मौके पर पहुंची है, उस गाड़ी के जो वो मालिक हैं उसे जो है वो हिरासत में लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है वो 8 सितंबर से यहां पर मौजूद है और इसी दौरान आज इतवार का दिन था तो घर वाले अंदर ही मौजूद थे कि इसी दौरान बच्चे गली में निकले खेलने के लिए और खेल के दौरान ही जो है वो अंदर चले गए और फिर ये अफसोसनाक हादसा जो है वो रोनुमा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस घर से ये बच्चे निकले थे वो मालिक मकान के बच्चे हैं और ये गाड़ी जो है वो किराएदार की है जिसपे जो है वो पुलिस ने जो है वो अब उसे जिम्मेदार समझते हुए हिरासत में लिया है और यहाँ से जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया है। अब जो है वो मजीद देखा जाएगा कि इस पे जो है वो गफलत और ये जो मुजरिमाना फेल है कि गफलत की गई है उसमें जो है वो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अहलखाना करवाते हैं या फिर नहीं करवाते।